तो बेसिकली आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं डेटा समराइजेशन फॉर्मूला, और हम शुरुआत करेंगे फॉर्मूले की सम इफ से। देखिए, आपके पास सम करने का फॉर्मूला है कि आपने सम का फॉर्मूला लगाया, पूरे कॉलम को सिलेक्ट किए, रिजल्ट आ गया आपका सम। लेकिन हम बात करते हैं सम के कुछ और फॉर्मूले, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं सब प्रोडक्ट का। अब जैसे मैंने यहाँ टोटल लगा दिया, यहां पे हम टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे। इसे मैं टोटल लगाऊं तो टोटल में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बोलेगा सर टोटल लगाना है तो सम लगा देते हैं। सम का फॉर्मूला लगाया, सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, सम आ गया। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है जब आप इस तरह के सम निकालते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है कि जब मैं फिल्टर लगाता हूँ, फिल्टर लगाया और फिल्टर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया अजीत, अजीत को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ जो टोटल आ रहा है आप देख पा रहे हैं, ओवरऑल आ रहा है, सिर्फ अजीत का टोटल नहीं आ रहा। मुझे कुछ ऐसा करना है जो सिर्फ अजीत का टोटल है, सिर्फ किसका टोटल है? अजीत का टोटल। तो यहाँ पे सम ना लगा के मैं यहाँ पे लगाऊंगा सम सब टोटल, सब टोटल। और सब टोटल में मैं सेलेक्ट करूंगा कि मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं तो मुझे सम चाहिए, तो सम को सेलेक्ट किया। सम का नंबर क्या है? 9 है, 9 को सेलेक्ट किया और फिर यहाँ अपना रेफरेंस सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तैयार, अभी ओवरऑल दिख रहा है, लेकिन जैसे ही फिल्टर लगाएंगे सब टोटल जस्ट विजुअल सेल्स का ही टोटल देगा, ना कि ओवरऑल। जैसे मैंने दिल्ली को सेलेक्ट करके ओके किया तो देखिए सिर्फ यहाँ दिल्ली का टोटल आ रहा है। देखिए, सब टोटल में एक और प्रॉब्लम होती है, सब टोटल में नहीं बाकी सब में प्रॉब्लम होता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। सब टोटल में नहीं बाकी सब में ही प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम आता है कि अगर मान लीजिए मुझे दो कई नंबर को सम करना है और बीच में अगर एरर आ गया, जैसे कि एरर में इन एरर आ गया, कोई भी एरर आ गया, तो रिजल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर हो जाए। मैं चाहता हूं कि सम हो बट रिजल्ट जो है हमारा दिखे। मैंने क्या किया, मैंने सम के जगह पे एक फॉर्मूला है एग्रीगेट का, वो लगाया। एग्रीगेट बिल्कुल सब टोटल की तरह ही वर्क करता है। तो यहां से सेलेक्ट कीजिए क्या था, हमें सम करना है, हमने सम को सेलेक्ट किया। इग्नोर क्या करना है, हमने बोला इग्नोर सिर्फ एरर करना है। अगर इग्नोर एरर हिडन वैल्यू कर देते हैं तो सब टोटल की तरह वर्क करेगा। मैं बोला सिर्फ एरर इग्नोर करना है और हमने डेटा को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे टोटल आ गई एरर के बावजूद। तो जब अगर एरर कहीं पे दिखता है तो वहां पे आप इस तरह से टोटल के लिए एग्रीगेट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि सब टोटल बाकी चीजों के बारे में। अब चलिए हम बात करते हैं सम इफ के बारे में। जी हाँ, जैसे मुझे यहाँ पुणे का नेम का है, मैं पूजा का टोटल चाहिए, पूजा का टोटल सेल्स चाहिए। तो यहाँ पे पूजा कई बार रिपीटेड है, देख सकते हैं पूजा कई बार रिपीटेड। अगर पूजा सिर्फ एक बार होता तो हम वी लुकअप लगा लेते, बट यहाँ पे पूजा कई बार है और मुझे सब का टोटल टोटल चाहिए, ओवरऑल टोटल। पूजा अगर 10 सेल है, 10ों का टोटल कितना टोटल आया, वो टोटल मुझे करना है। तो यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला सम इफ, सम विथ कंडीशन, मतलब कि सम इफ। इसमें आपको रेंज सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है? रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, क्राइटेरिया। मेरा क्राइटेरिया ये है पूजा, इसको सेलेक्ट किया। फिर आता है सम रेंज, सम किसको करना है, तो सम मुझे करना है इसको। एंटर प्रेस किए, आपके सामने सम आ गया।
चलिए एक बार और बताते हैं, जैसे मुझे ओम का यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला सम इफ। सम इफ में इस ओम को किस कॉलन में मैच करना है वो सेलेक्ट कीजिए, तो मुझे मैच करना है कॉलन ए में। फिर आता है क्राइटेरिया कि किसको मैच करना है, तो हमको ओम को मैच करना है। फिर आता है ठीक है सब टोटल किसको चाहिए, सम किसका करना है, हमने बोला सेल्स का, तो सेल्स को सिलेक्ट करके एंटर किया, तो आप देखिए यहाँ पे सेल्स का टोटल आ गया। तो सम इफ सबको क्लियर है, किसी को डाउट? चलिए सम इफ के बाद अब इसमें कुछ कुछ कंडीशंस है उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास कंडीशन ये है कि मुझे एक इंसेंटिव देना है, मैंने कमीशन देना है, मुझे 20 रुपये पर पीस का कमीशन देना है। लेकिन मैं कमीशन सबको नहीं दे रहा, हम कमीशन उसी सेल पे देंगे जिसकी जिसका क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 है, मतलब 50 वाले टोटल कितने हैं इसका मुझे सम निकालना है, ताकि हम 20 से मल्टीप्लाई करके टोटल इंसेंटिव कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ हम देंगे फॉर्मूला सम इफ का। अब सम इफ में मुझे ग्रेटर देन 50 सेल्स में देखना है, तो क्राइटेरिया रेंज हमारा सेल्स हो जाएगा और क्राइटेरिया हमारा ग्रेटर देन 50 हो जाएगा। अब यहाँ सम रेंज देने की जरूरत नहीं है, रीजन कि अगर आपका क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज एक ही होता है तो सम रेंज देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ग्रेटर देन 50 का दिखा दिया, लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पे 60 लिख रखा है, यहाँ पे 70 लिख रखा है, तो इसमें ग्रेटर देन का साइन मैनुअली लगाना पड़ेगा या फॉर्मूले में कुछ ऐसा हो सकता है? फॉर्मूले में हो सकता है। हम यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला लेते हैं, रेंज को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ हम इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन का साइन लेते हैं, या और एंड परसेंट से 60 को कनेक्ट कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं, आपके सामने रिजल्ट आ गया। मैं इसको इजीली ड्रैग कर सकता हूँ, तो आप जो है ग्रेटर देन लेस देन जो होता है, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू जो होते हैं, ये सारे चीज इसमें कर सकते हैं। जी हाँ, सारे के सारे चीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कहीं कहीं पे ओम प्रकाश है और कहीं कहीं पे ओम है। अब मैं यहाँ ओम का टोटल लिया, ओम प्रकाश का टोटल तो नहीं आएगा। तो जैसे हमने वी लुकअप में कल बताया था आपको कि मैं स्टार ओम स्टार लिख के फिर इसके अंदर मैं अगर सम इफ लगाता हूँ और क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया रेंज को, क्राइटेरिया को और सम रेंज को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल आया जिसमें ओम प्रकाश भी इंक्लूडेड है। और सेम थिंग अगर मैंने स्टार ओम दे दिया तो ये होता है एंड विथ ओम, यहाँ पे ओम स्टार दिया तो यहाँ पे स्टार विथ ओम हुआ। अब यहाँ पे एक छोटा सा और प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पे सिटी दिख रहा है, जिजियन MUZ, तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास सिटी एक ऐसे होते हैं जैसे कि जो सिटी में सेल हुए हैं उस तो सिटी का आता है, कुछ ऐसे सेल है जो कि हमारे ये हुए हैं वेंडर टू वेंडर, मतलब कि हमारी वेंडर ने परचेज किया है, तो कोई सिटी नहीं आता है उसमें। क्या आता है उसमें, आता है सिटी एक कोड आता है, जैसे कि MUZ GGN, एक कोड कुछ भी हो सकता है, बट हमें इतना पता है कि वो 3 डिजिट का कोड है, हमें इतना पता है कि वो 3 डिजिट का कोड है। तो क्या करें इसके लिए, कुछ नहीं 3 बार क्वेश्चन मार्क डालें और फिर इसका सम इफ निकालें, सम इफ, और हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया कॉमा 3 क्वेश्चन मार्क जो हमने यहाँ डाला हुआ है और इसको सेलेक्ट किया। तो ऐसा करने से क्या होगा कि 3 डिजिट्स, मतलब कि जो 3 डिजिट के होंगे, चाहे करेक्टर कुछ भी हो, 3 डिजिट के होंगे और करेक्टर कुछ भी हो, यहां आपके पास टोटल आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट सर, अब प्रॉब्लम होती है कि जब मेरे पास 2 कंडीशन हो, जैसे मुझे पूजा नोएडा का सेल चाहिए,
पूजा नोएडा और ग्रेटर देन 50 का सेल चाहिए। कि पूजा जो नोएडा में है और ग्रेटर देन 50 है उसका सेल चाहिए। तो यहाँ पे सम इफ नहीं, यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला चलेगा। जी हाँ, सम इफ्स का। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला सम इफ्स IFS, और हम रेंज सेलेक्ट करेंगे अपना सम रेंज, जिस किसको सम करना है। तो हमें सेल्स को सम करना है, हमने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। फिर आता है क्राइटेरिया वन रेंज, पहली करते क्या मैच करनी है, तो हमें नेम को मैच करनी है। क्या नेम है, तो पूजा हो गया। फिर दूसरा आता है सम आपका क्राइटेरिया टू रेंज, तो हमने क्राइटेरिया टू को सिलेक्ट कर लिया और क्राइटेरिया टू पुणे सिलेक्ट कर लिया। फिर क्राइटेरिया थ्री को सिलेक्ट किया और क्राइटेरिया थ्री में हमारा ग्रेटर देन 50 सिलेक्ट हो गया। ऐसी 4, 5, 6 मल्टीपल क्राइटेरिया डाल सकते हैं और आपके सामने रिजल्ट आएगा कि पूजा ने पुणे में आपका जो है 50 से ऊपर वाले 425 क्वांटिटी को सेल हुआ है। तो हमने डिस्कस की सम इफ के बारे में, कि सम इफ फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया दे सकते हैं। मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए हम सम इफ लगाएंगे, और सम इफ्स के अंदर भी हम वही क्राइटेरिया दे सकते हैं जो कि हमने सम इफ के अंदर दिया है, बस थोड़ा सा लगाने का तरीका चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। सर बोलिए। जो 3 क्वेश्चन मार्क वाला फिर से बताएंगे किसके लिए, मैं मिस कर गया था थोड़ा सा। 3 क्वेश्चन मार्क का मतलब था कि मुझे नहीं पता क्या टाइप है, क्या डेटा डाला हुआ है, पर हमें पता है 3 करेक्टर का है, समझे। जैसे कि हमारे इस ओके कोड में 3 करेक्टर का GGN है, MUJR है, तो दोनों का टोटल करके दे दिया आपको यहाँ पे। ओके ओके और लेटर क्या लिखा मतलब नहीं, 3 क्वेश्चन मार्क, 3 3 है बस, खत्म। अच्छा, तो खाली 3 वाले को ही लेगा। जी, समझ गए। अब इसमें एक जी चीज और, सर, जी इसमें इसमें आता है दो और, दो तीन फॉर्मूले और है, उसके बारे में जिक्र करते हैं आपके साथ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास काउंट के फॉर्मूले हैं। आपके पास एक काउंट है जो कि काउंट नंबर करता है, जो सिलेक्ट करोगे उसके बीच का जो नंबर है वो नंबर देगा, जो कि 2 दिखाया, इसने हेडिंग को काउंट नहीं किया। फिर आता है काउंट ए, इसको बोलते हैं काउंट ऑल। काउंट ऑल में हमने इसको सेलेक्ट किया तो देखिए हेडिंग को भी काउंट करेगा, मतलब टेक्स्ट और नंबर दोनों काउंट करता है, ब्लैंक को काउंट नहीं करता है, मतलब जो सेल फिल है उसको काउंट किया। फिर आता है यहाँ पे काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक में आपको वही काउंट करके देगा जो कि ब्लैंक है, सिर्फ ब्लैंक को ही काउंट करके देगा। लेकिन मुझे पूजा को काउंट करना है कि पूजा कितना बार आया है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला काउंट इफ का, काउंट विथ कंडीशन। तो काउंट इफ में मैंने बोला कि इसको सेलेक्ट किया और हमने इसको पूजा को दिया, और यहाँ पे रिजल्ट आ गया 9। क्या आया रिजल्ट? 9 रिजल्ट। ठीक है। और इसमें फील्ड नेम फील्ड भी नेम भी सिलेक्ट करना सिलेक्ट करना पड़ता है, पड़ता फील्ड नेम भी है। सिलेक्ट नहीं करना नहीं पड़ता नहीं है, नहीं सिर्फ नहीं नहीं सिर्फ नेम। वैल्यू वैल्यू वैल्यू। अब मुझे जैसे ग्रेटर देन 50 लेना है, तो काउंट इफ यहाँ भी वर्क करता है। काउंट इफ हमने रेंज को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ग्रेटर देन 50 को लिया। मुझे अब ओम को काउंट करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे काउंट इफ, हमने ले लिया क्राइटेरिया और हमने ले लिया यहाँ पे, ये सब वर्क करेगा। जो समिट में वर्क किया है वो काउंट इफ में ही वर्क करेगा, और काउंट इफ्स में भी। जब मल्टीपल हो तो हम लिखेंगे काउंट इफ्स, काउंट इफ्स। काउंट इसमें हम देंगे अपना क्राइटेरिया, पहली क्राइटेरिया यहाँ पे पहला क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, फिर दूसरी क्राइटेरिया रेंज, और हमने अपनी दूसरी क्राइटेरिया सेलेक्ट किया। फिर आता है तीसरी क्राइटेरिया रेंज, और हमने यहाँ पे तीसरी क्राइटेरिया चूज किया, और एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट हमारा सेव बना। तो जैसे हमने हमने दो फॉर्मूले डिस्कस की, दो नहीं चार, काउंट इफ, सम इफ, सम इफ्स, काउंट इफ, काउंट इफ्स।
उसी तरह से एवरेज के भी फॉर्मूले होते हैं। देखिए एक एवरेज का फॉर्मूला होता है जो सिलेक्टेड डेटा में से एवरेज निकाल के देता है, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर पार्ट का एवरेज चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पूजा का एवरेज चाहिए, मतलब पूजा जो 482 और 9 क्वांटिटी में से 9 इनवाइस में सेल किया है, तो एवरेज क्या सेल किया उसने, तो अब डिवाइड करते हैं जनरली। बट एवरेज इफ आपका यहाँ पे निकाल के देगा। लगाने का तरीका बिल्कुल सम इफ की तरह कि क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया और यहाँ पे आपका एवरेज रेंज, और एवरेज इसमें भी ये सारा कंडीशन वर्क करेगा जो कि सम इफ और काउंट इफ में यूज किए हैं। मल्टीपल कंडीशन है तो उसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला एवरेज इफ्स का। लगाने का तरीका बिल्कुल सम इफ की तरह। यहां पे हम देंगे अपना एवरेज रेंज, क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया थ्री रेंज, क्राइटेरिया थ्री। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने। अब इसमें ये तो हो गया हमारा, अब इसमें बात आती है मैक्स की। तो हमारे पास मैक्स के भी फॉर्मूले हैं जो कि मैक्सिमम नंबर निकालते हैं। अब देखेंगे मैक्स का फॉर्मूला है जो किसी का मैक्सिमम नंबर निकालता है, और मिन का फॉर्मूला है जो मिनिमम नंबर निकालता है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ये टोटल को कंसिडर कर लिया है यहाँ पे नीचे टोटल, अब बारी आती है कि मुझे पूजा का जो 482 टोटल सेल है इसकी जो इसका एवरेज 53 है, इसका सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट सेल क्या है, माने कि मैक्स विद कंडीशन। सो यहां लगाएंगे मैक्स इफ्स, यहां पे इफ नहीं होता डायरेक्ट इफ्स है। तो यहां पे मैक्स रेंज आता है, किसका मैक्सिमम निकालना है, क्राइटेरिया वन रेंज यहां पर हमने सेलेक्ट कर लिया और क्राइटेरिया दे दिया, ये आपके सामने मैक्सिमम आ गया, और सारे कंडीशन जो है मैक्स में भी एप्लीकेबल है। और यहाँ पे मैक्स इफ मुझे पर्टिकुलर कंडीशन 3-4 कंडीशन पे चाहिए तो मैक्स इफ निकाल सकते हैं इसमें, मैक्स मैक्स इफ। और यहाँ पे हमने लगाया कंडीशन की मैक्स रेंज, क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया थ्री रेंज, क्राइटेरिया थ्री, ये आपका मैक्स है। और जैसे मैक्स लगता है ना, सेम आपका मीन भी लगता है, मीन इफ सबसे छोटा के लिए सेम तरीका उसका भी है, ये आपका निकल गया। और इस तरह की बड़ी कंडीशन पे भी लगा सकते। तो यहां पे हमने आपके साथ डिस्कस किया सम इफ, सम इफ्स, काउंट इफ, काउंट इफ्स, एवरेज इफ, एवरेज इफ, मैक्स इफ और मैक्स इफ, मैक्स इफ सॉरी मैक्स नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, इसमें एक चीज हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। सर एक रिक्वेस्ट था। हाँ पूछिए सर, आप थोड़ा बहुत फास्ट बोल रहे, थोड़ा धीरे बोलिए प्लीज। अच्छा ठीक है, चलिए अब चलिए अगली कैलकुलेशन पे आते हैं। यहां हमने टोटल निकाला सम इफ फॉर्मूला लगा के, अब मेरे पास कंडीशन ज्यादा, समझ गए, कंडीशन ज्यादा ये हुए कि मुझे यहां पे टोटल चाहिए, पूजा का टोटल चाहिए जो ग्रेटर देन 50 है, ओम का टोटल चाहिए जो ग्रेटर देन लेस देन 80 है, जिजियन का टोटल चाहिए जो लेस देन 70, इन सबों का टोटल मुझे इकट्ठा चाहिए। तो अभी आप अगर सम इफ्स की बात करें तो आपको इंडिविजुअली सम में सम इफ लगाना होगा, क्योंकि देख सकते हैं किसी का कुछ भी चेंज हो सकता है, और फिर उन सबका टोटल करें। लेकिन हमारे पास डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूले में फॉर्मूले हैं जिसकी मदद से हम इसका यूज एक शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए आपका दी सम, हमने क्या फॉर्मूला लगाया, दी सम डेटाबेस सम,
और हमने डेटाबेस को सिलेक्ट किया, किस फील्ड का टोटल निकालना है उस फील्ड को सिलेक्ट किया, और यहां हम क्राइटेरिया को सिलेक्ट किए, किसको सिलेक्ट किए, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में यहां हेडिंग होना चाहिए, क्राइटेरिया में यहां हेडिंग होना चाहिए। ये आपके देखिए टोटल का फॉर्मूला आ गया। ऐसे मान लीजिए मुझे डी काउंट चाहिए, तो डी काउंट का फॉर्मूला, अब डी फॉर्मूले के जितने भी फॉर्मूले हैं डी के, वो सारे एक जैसे लगते हैं। आपको जस्ट सेलेक्ट करना है डेटाबेस को, सेलेक्ट करना है अपने फील्ड को और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में आप इसको लेना है पूरे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। और इसी तरह से आपका ये भी लगता है एडवांस, एडवांस फिल्टर, डेटा मेनू बार में आपके सामने एडवांस फिल्टर होता है। एडवांस फिल्टर के मान लीजिए कि मुझे इसका डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ एडवांस पे जाएंगे, यहाँ पे कॉपी क्राइटेरिया रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, और मुझे डेटा कॉपी होके चाहिए, कॉपी टू अनदर लोकेशन, और जहां पे कॉपी चाहिए वहां पे, लेकिन सेम सीट का, डिफरेंस सीट पे कॉपी नहीं करता है, एंड ओके करेंगे तो देखिए ये पूरा डेटा जो कि इस कंडीशन के बिहाफ पे है वो निकाल के यहाँ पे दे दिया, और इसका टोटल वही होगा जो हमने किया हुआ है, 1059 दिख रहा है, 105। तो बिल्कुल एडवांस फिल्टर की तरह वर्क करता है। ये क्या था, एडवांस फिल्टर था? जी हाँ, एडवांस फिल्टर। तो डी सम फॉर्मूला और एडवांस फिल्टर दोनों एक जैसे ही हैं। डी सम फॉर्मूला, डी काउंट, डी मैक्स, डी मीन फॉर्मूला क्या है, वो मैक्सिमम मिनिमम और काउंट निकालता है, लेकिन उसी चीज को अगर हम एडवांस फिल्टर में रखते हैं तो एडवांस फिल्टर उसका डेटा अलग कर देता है या फिल्टर कर देता है। ठीक है, और बोलेंगे डेटाबेस में और भी तो फॉर्मूले थे, तो सारे फॉर्मूले लगाने का एक ही तरीका है, बस रिजल्ट अलग अलग है। डी एवरेज आपका एवरेज निकाल देगा, डी काउंट, डी काउंट निकाल देगा, डी मैक्स, मैक्स निकाल देगा, लेकिन सब लगता एक ही जैसा है, इसके कोई डिफरेंस नहीं है लगाने में, तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। अब इसमें एक चीज और आती है यहाँ पे, अभी हम जैसे मैक्सिमम की बात कर रहे थे आपके साथ, मैक्सिमम, तो हमारे पास मैक्स का फॉर्मूला है जो कि मैक्सिमम निकाल के देता है, मिन का फॉर्मूला है, मिन का फॉर्मूला है जो मिनिमम निकाल के देता है, राइट। लेकिन बात यह है कि जैसे 105 दे दिया हाईएस्ट, अब 105 से नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, मतलब मुझे टॉप फाइव, बॉटम फाइव ऐसे चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है लार्ज का, किसका, लार्ज, लार्ज फॉर्मूला, जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे अपने डेटा को, और यहां हमने ले लिया अपना कि कौन सा चाहिए लार्ज, तो हमारा लार्ज चाहिए पहला, तो ये देखिए 105 आ गया। अब नीचे ट्रैक करना है तो मुझे इसको करना होगा फ्रीज, F4 से फ्रीज। अब नीचे की तरफ हमने इसको ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट क्या है, 105 है, उससे छोटा 99 है, उससे छोटा 95 है, उससे छोटा 90 है। अब 90 दो बार है, इसने 90 को दो बार दे दिया। ओके, अब इसी में मुझे छोटा चाहिए तो हमारे पास फॉर्मूला है स्मॉल का। स्मॉल फॉर्मूला में हम सिलेक्ट करते हैं अपने डेटा को और सिलेक्ट करते हैं नंबर्स को, सबसे छोटा, अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब इसमें देखिए क्या है कि 10 दो बार है तो दो बार दे दिया, 12 13 तीन बार है तो तीन बार दे दिया, मैं यहाँ पे 11 डाल देता हूँ तो 11 दिख जाएगा, 9 डाल देता हूँ तो 9 दिख जाएगा। फ्रीज नहीं किया यहाँ पर आपने? नहीं, इसमें फ्रीज नहीं किया है क्योंकि हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। जब कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो टॉप टू बॉटम में फ्रीज करने की आवश्यकता नहीं है, लेफ्ट टू राइट फ्रीज होगी। ठीक है, क्लियर है? तो हमने सम इफ के फॉर्मूले जान लिए, हमने टॉप बॉटम जान लिए, एग्रीगेट फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था शुरुआत में ही, ये वाला एग्रीगेट फॉर्मूला। उसके बाद आता है क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर फोर जिसमें हमने आपको डी सम का फॉर्मूला बता दिया। फाइव नंबर में हम अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल कुछ कैलकुलेशन। सर एग्रीगेट में एक डाउट है सर, बोलिए। सर एग्रीगेट में एक मल्टीपल एग्रीगेट हुआ करते हैं, जब एक्सेल शीट बहुत बड़ी हुआ करती है तो ड्रॉप डाउन टाइप का रहता है कि वहां पर क्लिक करते हैं तो फिर और एग्रीगेट कुछ। फॉर्मूला एक सिलेक्टेड रेंज का टोटल देता है, अलग अलग टोटल नहीं देता है। जैसे आप एग्रीगेट सम के जगह पे एग्रीगेट ले सकते हो, जो सम का फॉर्मूला लगाते हो ना उसके जगह पे एग्रीगेट का फॉर्मूला ले सकते हो। कब? जब डेटा के अंदर हिडन वैल्यू एरर हो तब। समझ गए? ठीक है, मैं नहीं होगा तो उस सीट का फोटो आपको भेजूंगा। वो मल्टीपल एग्रीगेट रहते हैं कि जैसे एक बार क्लिक करेंगे तो कुछ सेल खुल जाएगी, फिर और क्लिक करेंगे तो और मल्टीपल। देखिए बता देंगे, एक बार एरे लगाया हुआ थी इसमें। ठीक है सर, वी कैन मूव अहेड। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए प्रिंसिपल है 50,000, प्रिंसिपल 50,000 है, रेट हमारा 19% है और टाइम हमारा 3 साल का है। तो मुझे इसमें ईएमआई कैलकुलेट करना है कि ईएमआई कितना होगा। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है पीएमटी। अब पीएमटी का मतलब मत पूछिएगा, मुझे पता नहीं पीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो पीएमटी, अब मुझे यहाँ रेट को लेना है, रेट डिवाइड बाय 12, क्योंकि मंथली कैलकुलेशन हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन है कि भाई हर महीने मेरा इंटरेस्ट मेरे प्रिंसिपल में ऐड हो जाए, इसलिए डिवाइड बाय 12 होगा ताकि हम मंथली रेट निकाल सके। साल को हम मंथ में कन्वर्ट कर दिए और हमारा पीवी मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू 50,000 है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा ईएमआई निकल गया। समझ गए? तो 50,000, 50,000 को अगर हम 50,000 रुपये अगर हम 19% से 3 सालों में लेते हैं देते हैं तो 1,832 रुपये देना होगा। लेकिन यही मुझे 50,000 3 सालों में चाहिए, 7% का बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, तो मैं कितना ईएमआई जमा करूं ताकि 3 सालों में 7% से मेरा 50,000 मिल जाए। तो ईएमआई जो है हमारा, यहाँ पे ईएमआई का फॉर्मूला के लिए वही सेम पीएमटी का ही फॉर्मूला लगेगा और सेम तरीके से लगेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा चेंज होगा कि अब मैं इस 50,000 को पीवी में नहीं डालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू में नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे 50,000 अभी नहीं मिल रहे हैं। 50,000 कब मिल रहे हैं? ये 50,000 मिल रहे हैं मुझे बाद में, इसलिए एफडी पे फ्यूचर वैल्यू पे चला जाएगा 50,000। तो 1,252 रुपये जमा कीजिएगा तो 3 सालों में आपको 7% से 50,000 का रिटर्न मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि मैंने एफडी कर दिया, अभी तुरंत पैसा जमा कर दिया, मुझे पता करना है कि फ्यूचर में कितना अमाउंट आएगा मुझे। तो इसके लिए हम एफडी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? फ्यूचर वैल्यू का। तो फ्यूचर वैल्यू, इसमें हम रेट रेट को मल्टीप्लाई बाई 12 करते हैं, टाइम को हमने रेट को डिवाइड करना है 12 से, टाइम को मल्टीप्लाई करना है 12 से, और यहाँ पीएमटी नहीं, यहाँ पे पीवी होगा जो कि हमारा है 50,000। अब देखिए जो भी फाइनेंशियल फॉर्मूले हैं रिजल्ट हमेशा माइनस में देता है, आपको प्लस में रिजल्ट चाहिए तो इस फॉर्मूले को डाल दीजिए किसमें? एबीएस में, एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि प्लस को प्लस रखता है और माइनस को प्लस कर देता है, एबीएस। अब बारी आती है कि मैं 2,000 का ईएमआई जमा करना चाहता हूं 7% से 3 सालों के लिए, कितना आएगा? तो यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला वही एफबी का, फ्यूचर वैल्यू, रेट को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, एंड पीएमटी हमारा 2,000 होगा, और रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कि 79860 का आया हुआ है। ओके, ये थी हमारी फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कुछ एरे के कंसेप्ट, इसकी बात करते हैं एरे फॉर्मूला।
देखिए, एरे फॉर्मूला, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, एरे फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला लगाने का तरीका है, फॉर्मूला लगाने का है तरीका है। तो उससे पहले, एरे से पहले हम सम प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपके सामने रेट क्वांटिटी है, ये हमारा रेट। मान लीजिए मुझे इसमें सबका टोटल चाहिए, तो जनरली आप क्या करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ड्रैग करके फिर इसका टोटल निकालेंगे। तो आपने टोटल पाने के लिए जो है कई सारे सेल्स का उपयोग किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे टोटल जो है एक ही सेल में आ जाए, मुझे ऐसे अलग अलग ना करना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एरे फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लिखेंगे सम मल्टीप्लाई बाई रेट, सिंपली एंटर प्रेस कीजिए, या आपका पुराना एक्सेल है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, नया है तो एंटर शिफ्ट प्रेस कीजिए, आपका रिजल्ट है। हालांकि इसका रिजल्ट सम प्रोडक्ट भी दे देता है, सम प्रोडक्ट, इसको सेलेक्ट किया कॉमा, इसको सेलेक्ट किया, बट आपका मल्टीप्लाई इसलिए ना, लेकिन माइनस वगैरह हुआ तो इजिली कर सकते हैं। जैसे कि सुजीत कुमार यहाँ लिखा हुआ है, मुझे हर लेटर को अलग अलग सेल में करना है, कि मुझे इसको यहाँ एस करना है, यहाँ पे यू करना है, यहाँ पे जे करना, इस तरह से। इसके लिए फॉर्मूला जो आता है मिड का आता है, किसका आता है, मिड का। मिड फॉर्मूले में हम इसको सिलेक्ट किया और हम यहाँ पे करते हैं कॉमा, हमारा स्टार्ट नंबर जो है 1 से है और एंड नंबर जो है हमारा ऑल्सो 1 है, तो मिड आ गया। फिर वापस यहाँ पे लगाएंगे मिड का फॉर्मूला और बोलेंगे कि मेरा स्टार्ट नंबर 2 है और एक करेक्टर लेना है, तो ये यू आ जाएगा। फिर यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे और बोला स्टार्ट नंबर मेरा 3 है एंड नंबर 1 है, तो रिजल्ट आएगा। तो ये तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा ना, तो मेरा जो नाम जो है 12 डिजिट का है, तो मैं यहीं पे लिखूंगा मिड, और मिड में इसको सेलेक्ट किया और कॉमा, यहीं पे कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा 1। और यहाँ पे हम जैसे ही एंटर या कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे तो आप देखिए सुजीत कुमार अलग अलग सेल में ऑटोमेटिकली आ गए। देखिए इसका बेनिफिट होता है काफी सारे जगहों पे, जो हम अलग अलग एक ही फॉर्मूले में जो हम काम करते हैं, अलग अलग फॉर्मूले जो लगाएंगे और एक ही बार में लगा, इसका यूज आपने वी लुकअप में भी देखा होगा, इसी को हम एरे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे रवि पूजा ओम का तीनों का टोटल चाहिए, तो तीन अलग अलग सम इफ लगा के आप करेंगे, उससे अच्छा है कि यहीं पे आप सम और इफ को अलग कर दीजिए एरे फॉर्मेट में। सम और इफ हमने लिया कि अगर ए इक्वल टू, अब इसको कर्ली ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है पूजा रवि एंड ओम, और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया, और मुझे सम किसका करना है, इसका करना है। अब यहां पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर दीजिए और देखिए आपका रिजल्ट 207 आ गया। ठीक है सर, तो एरे फॉर्मूला कोई फॉर्मूला का टाइप नहीं कि ए फॉर्मूला ए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लगाने का तरीका है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर, सर ये एरे फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या, ये बता देंगे मतलब क्यों लगाते क्या हैं सर, वो? एक मिनट दोबारा बोलेंगे, क्या बोले सर, तो सर एरे फॉर्मूले का क्या कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों लगाते हैं एरे कॉन्सेप्ट मैंने फॉर्मूले? बताया ना आपको, यहीं पे देखिए ना कि अगर आप मान लीजिए एरे ना लगाते तो आपको तीन अलग अलग यहाँ पे 12 अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं ना सर, दिख रहा है ना सर, आपने एक ही फॉर्मूला लगाया जो कि 12 फॉर्मूला में रिजल्ट दे दिया। जैसे यहाँ आपको चार अलग अलग फॉर्म में लगाने पड़ते, मल्टीप्लाई करके फिर सम करना पड़ता, यहाँ इकट्ठा हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए मुझे तीन अलग अलग फॉर्म में लगाने पड़ते, यहाँ पे हो गए, मतलब कि जो जो कैलकुलेशन आप कई सारे सेल्स पे करेंगे उस कैलकुलेशन को सिर्फ एक सेल पे एरे के थ्रू कर सकते हैं।
एरे हमने क्या बोला, एरे कोई फॉर्मूला नहीं है, एरे फॉर्मूला लगाने का तरीका है। फॉर्मूला वही लगते हैं, फॉर्मूला एरे नाम का फॉर्मूला तो नहीं, क्या एरे नाम का फॉर्मूला लिख दो, नहीं तरीका है। निश्चित एक एग्जांपल और बताते हैं, आपने बोला तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास कुछ नंबर्स दिए हैं, राइट, अब मुझे इन नंबरों के अंदर क्या करना है कि पहले सबको 60 से मल्टीप्लाई करना है। इसको लेंगे यहाँ पे, इसको सबको पहले 60 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको सेलेक्ट किया मल्टीप्लाई बाय 60 और फिर इसको सेलेक्ट कर दिया, ड्रैग कर दिया, तो सारे नंबर को 60 से मल्टीप्लाइड हो गया। फिर जो रिजल्ट आएगा उसका 50% चाहिए, चलिए इसका 50% निकाल दो, निकाल दिया 50%। फिर मुझे सब में ऐड करना है 100, तो इसमें हमने 100 ऐड कर दिया। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करना, चलिए 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर उसका टोटल हमें यहाँ निकालना है, इक्वल सम हमने ले लिया इसको, रिजल्ट 4450 आ गया। अब 4450 रिजल्ट के लिए हमने इतने सारे कैलकुलेशन किए, समझ में आया सर आपको? अब इस सारे ये जो सारे कैलकुलेशन को हम इस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। हमने लिखा सम, हमने इसको सेलेक्ट किया पूरे को, हमने किया मल्टीप्लाई बाई 60, हमने मल्टीप्लाई बाई 50%, हमने बोला प्लस 100 और फिर डिवाइड बाई 2। लेकिन एंटर मारने पे रिजल्ट गड़बड़ आएगा क्योंकि हमने बोर्ड मास मेथड फॉलो नहीं किया है। तो अब सबको ब्रैकेट, सारे कैलकुलेशन को इंडिविजुअली ब्रैकेट में डाल देना है और आप देखेंगे कि सारा रिजल्ट सिर्फ एक सेल पे आ गया। इसी को बोला जाता है एरे, ठीक है? और एरे कोई लिस्ट नहीं है कि हमने ये बता दिया ये बता दिया ये बता दिया, तो लगाने का तरीका है। समझ में आ गया तो एक एग्जांपल काफी है, और समझ में नहीं आया तो हजारों एग्जांपल कम पड़ेंगे। तो एरे में कर्ली ब्रैकेट हमेशा यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट यूज कब करते हैं? जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखिए जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना था ना, कई सारे रिजल्ट देने थे हमको, तो कर्ली ब्रैकेट यूज किया। जैसे यहाँ मुझे कई सारे रिजल्ट देने थे तो कर्ली ब्रैकेट यूज किया, कैलकुलेशन में नहीं। जैसे यहाँ कैलकुलेशन था तो कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन तो कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी। हाँ, जब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करके रिलेट करूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये पुराने एक्सेल में जरूरत नहीं, पुराने एक्सेल में इसकी जरूरत है, जैसे 2016-13 तक जो है इसकी जरूरत पड़ती है कि कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करे, बट 16 से ऑटोमेटिकली एरे कैलकुलेट कर लेता है, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर? तो एरे को और ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कीजिएगा, यूज कीजिएगा तब पता चलेगा। अब हम बात करते हैं डेटा कनेक्टिविटी की। अब मान लीजिए मुझे दो एक्सेल के बीच में लिंक करना है, दो एक्सेल के बीच में मुझे क्या करना है, लिंक करना है, तो कैसे करेंगे? तो मेरा एक फाइल है जो कि एक ड्राइव में पड़ा हुआ है, उससे डेटा मुझे सेल पे लाना है, और जैसे उस फाइल वन में चेंज हुआ तो फाइल टू भी चेंज होना चाहिए। उसके लिए आपको गेट डेटा फ्रॉम फाइल और एक्सेल को सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा हैंग होगा, उसके बाद आप अपना फाइल सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका फाइल है, मान लीजिए मेरा पिवट टेबल, एक मिनट, पिवट टेबल पार्ट वन का डेटा, इसी का डेटा चाहिए। हमने इंपोर्ट पे क्लिक किया, उसके बाद बोलेगा शीट्स, तो मुझे शीट्स सेलेक्ट करने होंगे, और मैंने डेटा शीट को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे लोड कर दूंगा, अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये पावर क्वेरी पे चला जाएगा, यहाँ लोड पे क्लिक करूंगा तो ये आपके सामने लोड होके आ जाएगा, जैसे देख पा रहे हैं लोड होके आ आगे। अब ये फालतू के कॉलम में कुछ कुछ डेटा टाइप था, इस कारण से फालतू के कॉलम आया। अब मुझे फालतू के कॉलम नहीं चाहिए थे, तो हमें क्या करना है, हमें इसको यहाँ पे
यहाँ दिख रहा है रेडी है, इसी को मैं यहाँ पे एडिट, जब इस पर कर्सर ले जाएंगे तो इस तरह खुलेगा, एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट पे क्लिक करते ही आपको पावर क्यूरी आ जाएगा। पावर क्यूरी मतलब कि मैंने जो डेटा इंपोर्ट किया है ना उस डेटा में कुछ चेंजिंग करने हैं मुझे, जैसे कि यहाँ फालतू की जो कॉलन है सारे कॉलन डिलीट करने हैं या कुछ नया कॉलन ऐड करना है, इसके लिए हम पावर क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। पावर क्यूरी एक अलग कोर्स है, एक अलग चीज है। अब मैं इसको यहां से रिमूव पे क्लिक करता हूं, रिमूव कॉलम्स, ये सारे कॉलम्स रिमूव हो गए। अब मैं यहां पे लोड एंड क्लोज करूंगा तो वापस एक्सेल पे आएगा और देखिए सारे कॉलम हट गए। और ये मेरे पिवट टेबल वाले फील्ड्स फाइल से कनेक्टेड है, उसके अंदर कोई चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब बारिश में आती है दूसरी चीज कि मेरे पास एक फोल्डर में कई सारे फाइल पड़े हैं। अभी देखिएगा बड़ी ध्यान से, लेकिन ये फीचर लेटेस्ट एक्शन में मिलेगा, बहुत ही कमाल का फीचर है कि मेरे पास एक ई ड्राइव के अंदर 2021 के अंदर एक डेटा नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर में मेरे पास 7 फाइलों है, 7ों के अंदर डेटा का टाइप सेम है, अलग अलग डेटा पर टाइप सेम है, 7 जगह से मुझे मिले हैं। अब 7ों फाइल को मुझे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करके कंपाइल करना है ताकि इसके ऊपर पीवट और बाकी रिपोर्ट लगा सकूं। तो वन बाय वन ना करके हम डेटा में जाएंगे, यहाँ पे डेटा मेनू में जाएंगे, गेट डेटा में जाएंगे, इसी में आपको मिलेगा फ्रॉम फोल्डर। क्या मिला? फ्रॉम फोल्डर। इस फ्रॉम फोल्डर पे जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप अपना फोल्डर का पाथ सेलेक्ट कर लें या मैनुअल डाल दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पे सारे के सारे फाइल्स का लिस्ट दिख जाएगा। अब यहाँ पे अगर लोड पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये जितना डेटा आपको दिख रहा है ना उसमें इतना ही फाइल की डिटेल्स आ जाएगी। लेकिन मुझे इस फाइल के अंदर का डेटा चाहिए तो मैं करूँगा कंपाइल एंड लोड। क्या करूँगा? कंपाइल एंड लोड। लोड करने के साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपके सारे फाइलें आ गए। अब एक फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए जिस फाइल में सारे हेडिंग हो और उसके सीट को सिलेक्ट कीजिए। अब देखेंगे जैसे मैं ओके करूँगा, अगर आपको लगता है कि कोई फाइल से एरर आ सकता है तो स्किप एरर कर दीजिएगा। और जैसे ओके करूँगा कुछ ही सेकेंड्स में आप देखेंगे कि मेरे 7ों सीट का डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कंपाइल हो जाएगा। बुक यहां पे देखिए फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 और सारा डेटा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पुराना एक्सेल है तो फिर आपको वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू ही माइक्रो बना के कैलकुलेट करना होगा, उसका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। समझ गए? अब हम बात करते हैं डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन बहुत ही काम की चीज है। बोलिए सर, सेम ऑफिस 365 में मिलेगा? जी हाँ, 365 में। लेटेस्ट एक्सेल आपको 2016, 19 और 21 मिल जाएगा। 365 तो है तो अपडेटेड होता है ना। 365 में क्या होता है कि अपडेट एक्सेल आपका वही होता है जो जनरली रखते हैं, लेकिन वो अपडेट होते रहता है ऑटोमेटिकली। अब डेटा वैलिडेशन की बात कर लेते हैं। डेटा वैलिडेशन से पहले हम टेक्स्ट टू कॉलम की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सुजीत कुमार और सिंह, मुझे इसको अलग अलग सेल में करना है। तो फॉर्मूले के जरिए तो सिखाया ही था, टेक्स्ट टू कॉलम में जाइए, यहाँ पे डिलिमिटर सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, यहाँ आप स्पेस को सिलेक्ट कीजिए जिसके बिहाफ पे आपको अलग अलग कॉलम में करना है, नेक्स्ट कीजिए, फिनिश करना है, अलग हो जाएगा। अब टेक्स्ट टू कॉलम का एक और यूज होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास इस तरह का डेटा आता है कि 2022 मंथ हो गया 09 एंड यहाँ पे 09 और 23, इस तरह के भी डेट्स आते हैं कि ईयर मंथ डेट बिना सेपरेटर के इसी फॉर्मेट में लिखा रहता है, मुझे इसको चेंज करके नॉर्मल डेट में करना है। तो इसको आप नेक्स्ट कीजिए, एक बार और नेक्स्ट कीजिए और यहाँ डेट को क्लिक कीजिए और जो DMY था उसके जगह पे YMD कर दीजिए। क्या कर दीजिए? YMD और कीजिए फिनिश।
फिनिश करते ही देखिए आपका 23/9 का डेट बन गया। तो कभी कभी इसका इस तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास मान लीजिए कि बहुत सारे डुप्लीकेट्स नेम्स है, बहुत सारे नेम्स है मेरे पास इस तरह के, मुझे सारे डुप्लीकेट नाम हटा के सिर्फ यूनिक नेम चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ जो आता है रिमूव डुप्लीकेट, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हट गया। उसके बाद मान लीजिए मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा अमाउंट है, मैं चाहता हूँ कि मेरा अमाउंट उतना ही मैंने कि डेसिमल में ना आए, सिर्फ होल नंबर हो, तो यहाँ डेटा वैलिडेशंस है। डेटा वैलिडेशंस में आप जाए होल नंबर, यहाँ आप सेलेक्ट कर ले कि क्या चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हमने दे दिया जीरो, जीरो से बड़ा, लेकिन सिर्फ ये आएगा, डेसिमल लिखते ही आपके पास नहीं। इस तरह की कंडीशन दे सकते हैं, जैसे कि मेरे पास सिटी का लिस्ट है और मैं सिटी लिस्ट में देना चाहता हूँ कि जो सिलेक्टेड सिटी उसी का लिस्ट आए, तो डेटा वैलिडेशन में वो सिटी लिस्ट अगर कहीं एक्सेल शीट पे है, यहाँ पे लिस्ट पे जाके एक्सेल शीट पे है, तो आप सिलेक्ट कर लें या फिर आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे दिल्ली, पुणे, मुंबई और यहाँ पे ओके कर दें। ओके करते हैं, यहाँ से देखिए आपके सामने लिस्ट आ गया। अब इस लिस्ट का यूज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर है, मैं चाहता हूँ जब 10 डिजिट से ज्यादा ना है, तो डेटा वैलिडेशन के अंदर में यहाँ आप लिस्ट नहीं टेक्स्ट लेंथ दिखेगा, टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ हमने बोला कि इक्वल टू 10 डिजिट। अब 10 डिजिट डाला एंड ओके किया। अब मैं यहाँ पे 10 डिजिट से नंबर डालूं ज्यादा या कम डालूंगा तो एरर आएगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि एरर जो आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या एरर है। तो आप एरर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ देखिए इनपुट, जैसे कर्सर जाएगा दिखेगा, जैसे मैंने डाल दिया कि एंटर मोबाइल नंबर, और यहाँ पे भी हमने सेम ऐसा ही लिख दिया। तो एक क्या करेगा, जैसे इस पे मेरा कर्सर जाएगा दिख जाएगा, और अगर मुझे अलर्ट चाहिए तो एरर अलर्ट में जाएंगे, यहाँ टाइटल दीजिए, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं रॉन्ग मोबाइल नंबर, और यहाँ पे डाल दिया कि प्लीज चेक चेक एंड री एंटर मोबाइल नंबर, और यहां ओके प्रेस करता हूं। तो यहां देखिए अगर मैं कोई गलत डाल के जैसे एंटर प्रेस करूंगा बोलेगा प्लीज चेक एंड री एंटर मोबाइल नंबर। तो इस तरह के फीचर्स को आप कर सकते हैं। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, ठीक है।